गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मुझे क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर विषय गणित यूनिट सेकंड गणित का सीखना सिखाना शिक्षण सिद्धांत एवं शिक्षण विधि के अंतर्गत टॉपिक गणित शिक्षण विधि के गणित शिक्षण की विधियों के बारे में हम उसके महत्वपूर्ण बिंदु शिक्षण विधि का अर्थ, शिक्षण विधि की परिभाषाएँ एवं माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा शिक्षण नीति के जो उद्देश्य बताए वो हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम शिक्षण नीति के तत्वों के अध्ययन से आज अपने अध्ययन की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत हमने कल माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा बताए गए शिक्षण नीति के उद्देश्य बताए वो मैं आज आपको शॉर्ट में वापस बता रहा हूँ, जिसके अंतर्गत उद्देश्य में नंबर वन, छात्रों में कार्य की आदत के प्रति वांछनीय मूल्यों व उचित अभिवृद्धियों का विकास करने की आदत विकास करना। नंबर टू, छात्रों में कार्य के प्रति ईमानदारी व सक्षमता उत्पन्न करना। नंबर थर्ड, उद्देश्यपूर्ण व वास्तविक परिस्थितियों के द्वारा सीखने के लिए छात्रों को प्रेरित करना। नंबर फोर, छात्रों को अर्जित ज्ञान का व्यवहारिक रूप में प्रयोग कर सीखने में सक्षम बनाना। नंबर फाइव, छात्रों को स्वाध्याय द्वारा प्रशिक्षित कर उन्हें इस दृष्टि से सफल बनाना कि वे अपना ज्ञान अर्जन कर सके। नंबर सिक्स, छात्रों में स्पष्ट चिंतन की योग्यता, स्पष्ट भाषण एवं लेखन अभिव्यक्ति का विकास होना चाहिए। नंबर सेवन, छात्रों में रुचियों का विकास कर रचनात्मक शक्ति का विकास करना चाहिए। नंबर एट, छात्रों में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए। नंबर नाइन, छात्रों में सद्नागरिकता के गुण विकसित होने चाहिए। और नंबर टेन, छात्रों में चरित्र निर्माण करना चाहिए। आज हम शिक्षण विधि के तत्वों के अंतर्गत उसके फर्स्ट तत्व बातचीत एवं संप्रेषण से शुरुआत करेंगे, जिसमें शिक्षण विधि के प्रमुख तत्वों में से प्रमुख तत्व बातचीत ऑब्लिक संप्रेषण है। बातचीत के अभाव में किसी भी प्रकार का शिक्षण करना बहुत कठिन है। नंबर टू, कई शिक्षण विधियां ऐसी हैं जिन्हें बिना चित्रों की सहायता लिए प्रयोग में नहीं कर सकते हैं, अतः चित्र भी शिक्षण विधि का प्रमुख तत्व है। नंबर थर्ड, प्रदर्शन शिक्षण विधियों के सहायता से यदि कोई क्रियात्मक समस्या का हल करना है तो शिक्षक को प्रदर्शन करना होगा। नंबर फोर, हाव भाव कक्षा को व्यवस्थित एवं प्रभावी शिक्षण बनाने हेतु हाव भाव प्रदर्शन की आवश्यकता होती है, अतः शिक्षक को हाव भाव के अनुसार ही प्रभावी शिक्षण कराया जा सकता है। नंबर फिफ्थ, लेखन शांपट शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण साथी है, अतः महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखकर एवं छात्रों को लिखने के लिए आदेशित कराकर शिक्षण करवाया जा सकता है। नंबर सिक्स, पठन पठन छात्रों को शिक्षक के द्वारा पाठ पढ़ने के निर्देशित छात्रों को शिक्षक के द्वारा पाठ पढ़ने के निर्देश अभिव्यक्ति एवं उच्चारण संशोधन हेतु दिए जाते हैं एवं शिक्षक भी आदर्श पाठ वाचन करता है। नंबर सेवन, निर्देशन
क्रियात्मक विधियों से शिक्षण कराते समय शिक्षक एक निर्देशक की भूमिका अदा करता है, जो समय समय पर एक छात्रों को निर्देशन देता रहता है। ये शिक्षण विधि के साथ प्रमुख तत्व है, जिसमें बातचीत और संप्रेषण के द्वारा ही शिक्षण कराया जा सकता है, वरना बातचीत संप्रेषण से के बिना आप संप्रेषण शिक्षण नहीं करा सकते। नंबर टू, कई शिक्षण विधियाँ हैं ऐसी हैं जिन्हें बिना चित्रों की सहायता लिए प्रयोग में नहीं कर सकते, अतः चित्र का भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण भाग है। नंबर थर्ड, प्रदर्शन शिक्षण विधियों के सहायता से यदि किसी सक्रियात्मक समस्या का हल ढूंढा जाता है तो शिक्षक को प्रदर्शन करना पड़ता है, उस समस्या का प्रदर्शन करना पड़ता है। नंबर फोर, हाव भाव कक्षा को व्यवस्थित एवं शिक्षक को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को हाव भाव का प्रदर्शन करना पड़ता है। नंबर फिफ्थ, लेखन शाम पर शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण साथी है, अतः महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखकर एवं छात्रों को लिखने के आदेश देकर शिक्षक शिक्षण करवाता है। नंबर सिक्स, पठन छात्रों को शिक्षक द्वारा पाठ पढ़ने के निर्देश अभिव्यक्ति एवं उच्चारण संशोधन हेतु दिए जाते हैं एवं शिक्षक भी आदर्श वाचन करता है। नंबर सेवन, निर्देशन क्रियात्मक विधियों से शिक्षण कराते समय शिक्षक एक निर्देशक की भूमिका में रहता है, जो समय समय पर छात्रों को निर्देशन देता रहता है। आज हमने पूर्ण रूपे गणित शिक्षण विधियों के प्रमुख तत्व जिसके अंतर्गत नंबर वन शिक्षण विधि का अर्थ, शिक्षण विधि की परिभाषा है, माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा बताए गए शिक्षण विधि के उद्देश्य एवं शिक्षण विधि के तत्व जिसके अंतर्गत नंबर वन बातचीत, नंबर टू चित्र, नंबर थर्ड प्रदर्शन, नंबर फोर हाव भाव, नंबर फिफ्थ लेखन, नंबर सिक्स पठन एवं नंबर सेवन निर्देशन, इन महत्वपूर्ण टॉपिक्स का हमने अध्ययन किया है। कल हम अच्छी शिक्षण नीति की विशेषताओं के अध्ययन से अपने अध्ययन की शुरुआत करेंगे। आप घर पर रहने से पहले आप अपना और अपने परिजनों का इस वैश्विक महामारी के दौर में ध्यान रखें। नमस्ते।